भी आज एक स्कीम हमने उसमें बनाई है कि जो बीपीएल के लोग हैं, बीपीएल कार्ड धारक हरियाणा के लोग जो इन प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराते हैं, उनके लिए एक पैकेज ये हमने आज बनाया है। और उस पैकेज के हिसाब से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5,000 रुपया, मैक्सिमम 7 दिन के लिए ये 35,000 रुपये का एक पैकेज ये उनको मुफ्त में हम घोषणा कर रहे हैं, ताकि ये 35,000 रुपया जहां वो इलाज कराते हैं वहां अपने बिल में से 35,000 रुपया कम करा करके उनको दें, ताकि हम ये पैसा सीधा अस्पताल के खाते में आरटीजीएस करेंगे, ताकि उनको ये 5,000 रुपये प्रति बेड का प्रतिदिन का ये राहत मिल सके जो बीपीएल के लोग और अपना एडमिशन वहां कराते हैं। एक पैकेज ये है। दूसरा, जो अस्पताल हैं इन अस्पतालों को निश्चित रेट किए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो हरियाणा का है चाहे बाहर का है, उन सबको इन रेट्स पर ही चार्ज करेंगे, इससे ज्यादा रेट चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जो हरियाणा के लोग हैं उनको वो ज्यादा से ज्यादा भर्ती कर लें, इसके लिए एक इंसेंटिव उन अस्पतालों के लिए हम रखते हैं कि हरियाणा के लोग जितने इन प्राइवेट अस्पतालों में जो जो कोविड रजिस्टर्ड अस्पताल हैं, ये जितने हरियाणा के लोगों को एडमिट करेंगे प्रति व्यक्ति प्रति दिन 1,000 रुपया एक बेड के हिसाब से, मैक्सिमम एक व्यक्ति के लिए 7 दिन, यानी मैक्सिमम 7,000 रुपया ये उन अस्पतालों को भी हम देंगे, ताकि हरियाणा के लोगों को ज्यादा से ज्यादा और एडमिशन दें। इस प्रकार के दो ये पैकेज ये आज हम घोषणा कर रहे हैं, जिसमें से हरियाणा के सब लोगों को भी लाभ मिलेगा और खास करके जो बीपीएल के लोग हैं उनको भी 5,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 7 दिन का मैक्सिमम 35,000 रुपया और उनका ये लाभ इनको ये मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव आने के बाद या तो हॉस्पिटल हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलता, या उनको बताया जाता कि वो होम आइसोलेशन में रहें और घर पर ही अपना इलाज करें, या जो कोविड सेंटर्स में हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है, ऐसे लोग घर पर रह करके जब इलाज करेंगे उनका भी कोई दवाई का खर्चा है, कहीं एकाध कंसल्टेशन डॉक्टर से उनको करनी पड़ती है, या कुछ छोटे एपरेटस खरीदने पड़ते हैं, किसी का ऑक्सीमीटर है किसी का थर्मामीटर है, तो ऐसा वो खर्चा 2,000 से लेके और 8,000 तक कहीं भी आंका जा सकता है। कोई पेशेंट 2,000 रुपये भी खर्च कर सकता है, कोई पेशेंट 8,000 रुपये भी खर्च आता है, तो उसका भी ऑन एवरेज ऐसा पेशेंट कोविड पॉजिटिव आने के बाद घर में रहकर इलाज करेगा उसको, और वो बीपीएल का होगा, तो उसको भी 5,000 रुपये की लमसम सहायता ये उस पेशेंट को भी दी जाएगी जो पॉजिटिव आता है, जिसका पॉजिटिव में रजिस्ट्रेशन है, उसको केवल अपना बीपीएल का कार्ड दिखाना है और 5,000 रुपये की सहायता उसके खाते में और ये सीधी भेजी जाएगी।